महाराष्ट्र के मलंगगढ़ में एक समाधि स्थल पर उस वक्त तनाव पैदा हो गया जब मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग आरती के दौरान वहां पर घुस आए और अल्लाह अकबर के नारे लगाकर हंगामा करने लगे। इस दौरान हंगामा करने वालों ने पुलिस वालों के साथ बदसलूकी भी की। मलंगगढ़ में स्थित मच्छिंद्रनाथ समाधि स्थल पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर उपासना के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। ये लोग शिवसेना नेताओं के आग्रह पर यहाँ आए थे। कोरोना की वजह से बकायदा इसकी अनुमति भी ली गई थी, तभी अचानक अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए कुछ लोग वहां पर घुस आए और हंगामा करने लगे। इसके बाद दोनों पक्षों में वाद विवाद भी हुआ। विशेष समुदाय का आरोप है कि जब बगल में मौजूद दरगाह पर रोक है तो मंदिर में इतने लोग कैसे आ गए। समाज के लोग अपना विरोध जताने के लिए आरती के दौरान मंदिर में घुस आए और अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। पुलिस वालों ने जब मामले में हस्तक्षेप किया तो उनसे भी बदसलूकी की गई। पुलिस ने इस मामले में आरती कर रहे कई आयोजकों के खिलाफ कोविड एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और मुस्लिम पक्ष के भी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। समाधि स्थल को लेकर पहले भी बवाल हो चुका है। गोरखनाथ पंथ के अनुयायियों का कहना है कि यह समाधि मच्छिंद्रनाथ की है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह हाजी मलंग की मजार है। 80 के दशक में शिवसेना ने इस मुद्दे को हवा दी थी, तब से यहां पर कई बार विवाद हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, मलंगगढ़। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।